दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। आज मैं आपको पनीर की रेसिपी बताने वाली हूँ, पालक पनीर, शाही पालक पनीर। सबसे पहले पालक ले ले दोस्तों, उसके बाद प्याज को अच्छे से बिरयानी करके उसे अच्छे से भून लें। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें, थोड़ा सा प्याज भी डाल दें दोस्तों पिसा हुआ। फिर दोस्तों टमाटर उसमें डाल दें, देखिए मैंने इसमें टमाटर डाल दिया, उसकी ग्रेवी लगती हो गया अच्छी होगी। अच्छे से भून लें दोस्तों, उसे गलने के लिए छोड़ दें। फिर उसमें नमक मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा गोल मिर्च पाउडर, उसे अच्छे से चला दे दोस्तों। उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दे दोस्तों, ताकि अच्छे से मसाला गल जाए दोस्तों। थोड़ी देर के लिए इसे ढक के रख देते हैं ताकि इसके मसाले गल जाए अच्छे तरीके से। ये देखिए दोस्तों, मसाला अच्छे से गल चुका है, भून चुका है। ये सब से तेल छोड़ रहा है दोस्तों। दोस्तों इसमें पालक ऐड कर दो, इस मसाले में पालक ऐड कर दो और उसे अच्छे से दोस्तों चला। जब पालक उसमें अच्छे तरीके से मिल जाएगा दोस्तों, 2 मिनट में पालक पानी छोड़ देगा और अच्छे से उसमें मिल जाएगा दोस्तों। पालक इसमें बैठ चुका है दोस्तों, भूजे की तरफ कढ़ाई गर्म करते हैं दोस्तों, पनीर को भी गर्म करना है अच्छे से दोस्तों। देखिए इसमें थोड़ा सा रिफाइंड तेल डालें, अच्छी तरीके से जब गर्म हो जाए तब इसमें पनीर डाल दें। ये मैंने पनीर डाल दी, अब इसमें थोड़ा इंग्रेडिएंट ऐड करना है दोस्तों। ये देखिए मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, इसे अच्छे तरीके से भून लें दोस्तों। लाल कड़ी ये देखिए, एक तरफ मेरी यहाँ पे तैयार हो रही है, ये एक तरफ ये तैयार हो रही है, एक तरफ पालक, एक तरफ पनीर। अब देखिए दोस्तों दोनों को मिक्स कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये देखिए पालक में पनीर ऐड हो चुका है, ये बिल्कुल शाही पनीर जैसा लगेगा दोस्तों, शाही पालक पनीर। इसे अच्छे से चला ले दोस्तों, ऐसे चलाएं कि पनीर चूर ना हो दोस्तों। ये देखिए कितना प्यारा सा रंग आ चुका है, कितना प्यारा सा फ्लेवर आ चुका है दोस्तों। अब इसमें एक लास्ट दोस्तों कसूरी मेथी डालनी है, हाँ
थोड़ी देर ढक के छोड़ दी उसे गर्म होने के लिए। अब देखिए मैं कसूरी मेथी को गर्म कर रही हूँ, थोड़ा सा ठंडा हो जाए दोस्तों। उसे अच्छे से चूर चूर करके उसे ऊपर से पूरे डाल दो दोस्तों, इससे फ्लेवर भी बहुत ही अच्छे आते हैं और उसके स्मेल भी बहुत ही अच्छा आता है। देखिए चूर करके मैंने डाल दिया, मैंने डाल दिया कसूरी मेथी, फिर से थोड़ा सा धनिया धनिया डाल दीजिए दोस्तों। ये देखिए बहुत ही टेस्टी और यम्मी आपके शाही पनीर तैयार हो चुके हैं। ये पालक शाही पनीर, ये देखिए दोस्तों ये तैयार हो चुके हैं दोस्तों। अब इसने तिल छोड़ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे प्लीज़। थैंक यू।